आज हम लोग आए हैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में और यहाँ पे होने जा रहा है वेस्ट बंगाल बिगेस्ट फोटो वीडियो एक्सपो इमेज क्राफ्ट 2024। जैसे कि आप सभी को पता है स्टोरलाइन इंडिया का स्टॉल पहले से अवेलेबल था। जो एग्जीबिशन विजिट करके गए हैं, हमारे स्टॉल पे विजिट करके गए हैं, उनको थैंक्स। और जो विजिट कर नहीं पाए उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो शूट हो रहा है। और क्यों ये वेस्ट बंगाल का बिगेस्ट फोटो वीडियो एक्सपो है, मैं आपको हॉल के इनसाइड ले जाऊंगा और पूरा दिखा के समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी समझ पाएंगे किस लिए ये एक्सपो वेस्ट बंगाल का बिगेस्ट फोटो वीडियो एक्सपो है। इमेज क्राफ्ट वेस्ट बंगाल बिगेस्ट फोटो वीडियो एक्सपो लास्ट 20 ईयर से ये फोटोग्राफी एग्जीबिशन हो रहा है। मेरे 10 ईयर्स फोटोग्राफी लाइन पे एज ए फोटोग्राफर मैंने इस एग्जीबिशन से बहुत कुछ सीखा है, साथ ही साथ 4 ईयर्स एग्जीबिटर लाइन पे भी इस एग्जीबिशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस फोटोग्राफी एग्जीबिशन पे 100+ स्टॉल्स अवेलेबल थे, जहाँ पे निकॉन, कैनन, टैमरॉन के जैसे बड़े बड़े स्टॉल के साथ स्टूडियो लाइन इंडिया का भी स्टॉल अवेलेबल था। इस साल इमेज क्राफ्ट कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में अगस्त 24, 25 एंड 26 तारीख को हुआ था। मेन गेट से एंट्री करने के फास्ट में ही बंगाल फोटोग्राफी फोरम्स की तरफ से एक बैनर लगा हुआ था। ठीक उसके बाद निकॉन की Z6 Mark III के ऊपर ब्रांडिंग देखने के लिए हमें मिले थे और ठीक उसके बाद स्टूडियो लाइन इंडिया के बैनर जो है लगे हुए थे, जहाँ पे स्टूडियो लाइन इंडिया की पीसी बिल्ट के सेगमेंट के ऊपर पूरा डिटेल्स प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद बैकड्रॉप का बैनर लगा हुआ था, फिर उसके बाद इमेज क्राफ्ट फोटो वीडियो एक्सपो का बैनर जो है यहाँ पे लगा हुआ था। सामने की ओर जैसे ही हम लोग बढ़ने लगे, ठीक फिर से हमें स्टूडियो लाइन इंडिया के ब्रांडिंग देखने के लिए मिल गया। यहाँ पे स्टूडियो लाइन इंडिया का कैमरा स्किन, बंगाली टेम्पलेट्स, एल्बम डिजाइन सॉफ्टवेयर एंड पेन ड्राइव्स की डिटेल्स प्रोवाइड किए गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉल नंबर एंड स्टॉल मैप भी प्रोवाइड किया गया था। ब्रांडिंग क्रॉस करने के बाद इमेज क्राफ्ट की तरफ से बनाया गया सेल्फी जोन यहाँ पे देखने के लिए मिल गए, जो बेसिकली फ़ोटो क्लिक करने के लिए बनाए गए थे। यहाँ पे हमें इमेज क्राफ्ट के ओनर शंकर दा के साथ मुलाकात हुई, हम लोगों ने कुछ बातचीत की, साथ ही साथ उनके कुछ फ़ोटो भी हमने क्लिक किए। फोटो वीडियो क्लिक करने के बाद हम लोग चले सामने की ओर और जब मैं ये वीडियो क्लिप ले रहा था तब एग्जीबिशन स्टार्ट नहीं हुआ था। ये एग्जीबिशन स्टार्ट होने से पहले का वीडियो है और इस टाइम पे हॉल के अंदर सिर्फ एग्जीबिटर एंड ऑर्गेनाइजर जो है वही एंट्री कर सकते थे। गेट में पहले ही एंट्री करने के बाद हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल गया था, जहाँ से रजिस्ट्रेशन करके जो है एंट्री करना था। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेन गेट यहाँ पे था और मेन गेट पे एंट्री होने के टाइम पे हर एक का पास चेक किया जा रहा था, उसके बाद ही जो है एंट्री करवाया जा रहा था। जैसे कि मैं एक एग्जीबिटर था, मुझे एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मेन हॉल पे एंट्री होने पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है अंदर का माहौल था। और आप अभी क्लाउड नहीं देख पाएंगे क्योंकि जब ये वीडियो लिया जा रहा था ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीबिटर का एंट्री पास दिया गया था, मतलब ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीबिटर जो है अभी एंट्री कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो है बैकड्रॉप का स्टॉल था और उसी के साइड पे निकॉन का स्टॉल। और जैसे ही हम लोग सामने की ओर गए अपना स्टूडियो लाइन इंडिया का स्टॉल देखने के लिए मिल गया और आप देख सकते हैं D12 हम लोगों का स्टॉल नंबर। और इस स्टॉल पर हम लोगों ने अपनी लेटेस्ट कैमरे स्किन और लेटेस्ट एल्बम टेम्पलेट्स एंड लेटेस्ट एल्बम डिजाइन सॉफ्टवेयर की फुल डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे जो है किया गया था। स्टूडियो लाइन इंडिया के स्टॉल को क्रॉस करते हुए जैसे हम लोग सामने की ओर गए, बहुत से एल्बम प्रिंट्स की कंपनियां जो है आई हुई थी। उसके बाद डिलक्स फ्रेम का बहुत ही बड़ा यहाँ पे फ्रेम स्टॉल्स यहाँ पे दिए गए थे। उसके ठीक सामने ही यहाँ अनुराग का स्टॉल अवेलेबल था। कपिल जी के साथ मुलाकात की, बहुत सी बातें हम लोगों ने की थी और फिर से हम लोग स्टॉल घूमने के लिए गए। आगे की ओर जैसे बढ़ते चले यहाँ
स्टॉल घूमते घूमते विजिटर एंट्री जो है स्टार्ट हो चुका था, और विजिटर एंट्री होने के साथ साथ ही नेताजी इंडोर स्टेडियम की इनसाइड व्यू एकदम से चेंज हो गया। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, रांची, हर एक स्टेट से जो है फोटोग्राफर्स यहाँ पे आए हुए थे। क्राउड की अगर बात किया जाए, पूरा हॉल्स एकदम फोटोग्राफरों से भरे पड़े हुए थे। जो फोटोग्राफर इस साल इमेज क्राफ्ट विजिट नहीं कर पाए, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नेक्स्ट ईयर आप लोग डेफिनेटली आइए वेस्ट बंगाल बिगेस्ट फोटो वीडियो एक्सपो इमेज क्राफ्ट में। यहाँ पे आप अपने फोटोग्राफी नॉलेज को डेफिनेटली अपग्रेड्स कर पाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैंने इमेज क्राफ्ट्स के ऊपर स्टोरीलाइन इंडिया का क्या फीडबैक था उसका एक वीडियो क्लिप दिया है, तो वीडियो को स्पिक मत करके पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा। আমরা চলে এসেছি আরেকটি স্টলে, স্টুডিও লাইন ইন্ডিয়া স্টলে চলে এসেছি এবং এই ভাইয়ের সাথে আলাপ হয়েছে। নামটা? নাম আমার বিশ্বজিৎ পাত্র। আচ্ছা, তোমাদের প্রোডাক্ট মানে অ্যাকচুয়ালি কি আমাদের বন্ধুদেরকে একটু জানাও। বেসিক্যালি টুয়েলভ ইন্ডিয়াকে সবাই চেনে, ইউটিউবে টুয়েলভ ইন্ডিয়া অফিসিয়াল হলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে। আমরা বেসিক্যালি ক্যামেরা স্ক্রিন ম্যানুফ্যাকচারিং করি, সাথে সাথে পেন্ড্রাইভ আমরা পেন্ড্রাইভ করি, তাছাড়া আমাদের টেমপ্লেট অ্যালবাম টেমপ্লেট যেগুলো হয় আমরা ডিজাইন করি। আর আমাদের মেন ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে অ্যালবাম ডিজাইন সফটওয়্যার। আমাদের সফটওয়্যারের উপরে অনেক কাজ আছে, আমাদের এখন অব্দি প্রায় আটটারও বেশি সফটওয়্যার আছে যেগুলো মার্কেটে অলরেডি রানিং, কারণ লেটেস্ট আছে অ্যালবাম এক্সপোর্ট। ওয়াও, তো মোটামুটি কত বছর ধরে আসা হচ্ছে ইমেজ ক্রাফ্ট? আমি এটা লাস্ট 4 ইয়ার আসছি, তার আগে আমার ফটোটা একটু ছিলই, এখন ইমেজ ক্রাফ্ট এটা নেক্সট 4 ইয়ার। ও দারুণ দারুণ দারুণ, তো নেক্সট প্রত্যেক বছর এরকম ভাবেই পাবো নিশ্চয়ই। আর এক্সপিরিয়েন্স কিরকম? ডেফিনেটলি ইমেজ ক্রাফ্ট নিয়ে আর কি বলবো, ইমেজ ক্রাফ্ট ডেফিনেটলি 4 ইয়ার ধরে হিট হয়ে আসছে। ক্রাউড নিয়ে তো কোনো কথাই হবে না, মানুষের রেসপন্সও ভালো। আর ওনারের সম্পর্কে কিছু না বললেই নয়, শঙ্কর দা ওনার জন্যই এত কিছু, ঠিক আছে। আজ নেক্সট 20 ইয়ার্স ধরে উনি এক্সিবিশন করে আসছেন। আজ 20 ইয়ার্সে যে মানুষ কি পেয়েছে হয়তো অনেকের মনে নেই, কিন্তু আমরা যেটুকু এই লাস্ট 4 বছরে বুঝতে পেরেছি যে ইমেজ ক্রাফ্ট মানে 100 100 ছিল এবং আগামী দিনে থাকবে এবং আরো আরো এগোবে, মানে এটাই। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।